हेलो गाइस, कैसा आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे ना। आगे बढ़िया ही रहना। और आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि जब भी आपके स्पेशल एयर ड्रॉप आता है, वो कितने का भी हो, तो आप उसको परचेस कर लेते हो और आपका एयर ड्रॉप भी सक्सेसफुल परचेस हो जाता है। फिर आपको होता क्या कि आपके डायमंड वगैरह जो भी आइटम होते हैं आपको नहीं मिलते, आपके वैलेट में भी डायमंड वगैरह नहीं आते। तो जो आपने एयर ड्रॉप बाय किया है उसके आपको डायमंड कैसे मिलेंगे या फिर आपको रिफंड कैसे मिलेगा, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। और इस वाले टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे कि भाई हमारे साथ ही वाली प्रॉब्लम हो रही, तो इस पर न्यू वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाले जिनके साथ ही वाली प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना है। अगर आपके साथ ही वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही फिर भी आपको वीडियो को देखना है, ताकि आपके साथ कभी ये प्रॉब्लम हो तो आप इसका सोल्यूशन कर सको। तो होता क्या, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ कि आपने एयर ड्रॉप बाय कर लिया, या तो आपने यूपीआई से किया होगा या फिर रिडीम कोड से किया होगा, और आपने यहाँ पर रिडीम कोड से परचेस कर लिया और आपका सक्सेसफुल भी हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर दिया, फिर आप यहाँ पर वैलेट में जाकर देखते हो कि मुझे डायमंड वगैरह मिला है या फिर नहीं मिला है। तो आप वैलेट में जाते हो, फिर अदर वाले सेक्शन में जाते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। आपने जो परचेस किया उसके डायमंड वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिले, और फिर आप लोग टेंशन में आ जाते हो कि मेरे पैसे चले गए, मुझे डायमंड वगैरह भी नहीं मिला है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री फायर का बग है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसको हम सोल्व करने वाले हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा गेम की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा कस्टमर सर्विस का, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होगा तो आपको जल्दी खुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा लेट खुलेगा, पर आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ब्लैक स्क्रीन ऑटोमेटिक आपको यहाँ से चला जाएगा। और अगर एक बार में ओपन नहीं हुआ तो आपको फिर से ट्राई करना है। जैसे आप फिर उसको ओपन कर लोगे फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर ऊपर जाना है और आपको यहाँ पर अपना नाम दिख रहा होगा, मेरा आ रहा है एम गेमर। और जैसे आप उसको ऊपर टैप करोगे आपके सामने माय रिक्वेस्ट सबमिट रिक्वेस्ट का आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले माय रिक्वेस्ट में जाकर अपनी रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ। जितनी भी मैंने प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी है सबके सब यहाँ पर मैंने सोल्व करवा ली है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबके सब यहाँ पर सोल्व है। इस वाली प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करने वाले हैं, इसके लिए हमको सबसे पहले ऊपर आ जाना है, फिर आपको नेम को ऊपर टैप करना है, फिर आपको यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर नीचे का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आपको सेलेक्ट क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है पेमेंट इश्यू, ये वाला आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। आपका यूआईडी और नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम या क्या सेलेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्पेशल एयर ड्रॉप नोट रिसीव्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रांजेक्शन रिसिप्ट का। ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपने जिस भी यूपीआई एप से इसको परचेस किया है, या तो फोन पे या फिर गूगल पे पेटीएम, जिससे भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, वहाँ से आपको हिस्ट्री में जाके वहाँ से ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ले लेनी है, वहाँ से कॉपी कर लेना है। और अगर आपने रिडीम कोड से किया है तो आपको करना क्या है कि आपको मेल में चले जाना है, जिस भी आपने जीमेल आईडी से एयरड्रॉप को परचेस किया है उसमें आपको मेल में जाके देख लेना है, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। तो उसमें आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी डाल देनी है। एग्जाम्पल के लिए मेरे ट्रांजेक्शन आईडी 109 तक मेरी ट्रांजेक्शन आईडी है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी को यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखना है, तभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। और अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आता तो ये वाली प्रॉब्लम मैं सोल्व कर देता हूँ कि आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है, फिर आपको सर्च करना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ये सर्च कर लेना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, फिर आपको इंग्लिश यानी हिंदी दिख रहा होगा, आपको ये बीच में एक एरर दिख रहा होगा, उस पर एक बार टैप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले लिखना आपको डियर फ्री फायर टीम, ये लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे से लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है मैंने स्पेशल ड्रॉप बाय किया था और मेरा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मुझे यहाँ पर डायमंड वगैरह कुछ भी नहीं मिला है और ना ही कोई आइटम मिला है, इतना लिख देना है। और अगर आप अपनी मर्जी से और भी कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पर नीचे नीचे लिख देना है थैंक्स। और ये वाला अगर आपका यहाँ पर इंग्लिश में टाइप ना हो तो आपको यहाँ पर देख लेना है आपका यहाँ पर इंग्लिश में टाइप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरा यहाँ पर इंग्लिश में टाइप नहीं हुआ है, मैंने जैसे हिंदी में लिखा था वैसे हुआ है। तो आपको यहाँ पर एरर पर एक दो बार टैप करना है, आपका हिंदी वाला ऊपर आ जाना चाहिए, ऐसे ऐसे आ जाएगा तो आपको यहाँ पर जो इंग्लिश में टाइप हो जाएगा। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको फिर से वहीं पर आ जाना है जहाँ पर आप इसको टाइप करने वाले थे। उसके बाद आपने जो भी कॉपी किया हो इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, एड फाइल का आ रहा होगा, तो इसमें आपको करना क्या है, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट है उसकी आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा देनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने सही से फिल किया है फिर नहीं किया है। फिर सब कुछ देखने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है, बैक करने के बाद आपको फिर से आना है और माई रिक्वेस्ट पर चले जाना है और आपको यहाँ पर ओपन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर डली या फिर नहीं डली है। और अगर आपका यहाँ पर ऐसे ओपन आ रहा है तो आप समझ लेना कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट है सबमिट हो गई है। फिर आपको 24 से 48 घंटे तक का वेट करना है और आपके डायमंड वगैरह आपको सब कुछ वापस मिल जाएंगे, आपको वैलेट में जाकर चेक कर लेना है। ऐसे करके आप इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई या फिर नहीं हुई है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, तो आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हो और मैं सभी का रिप्लाई करता हूं, तो आप वहां पर भेजे मैसेज कर देना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जोर से कर लेना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।